Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज इमरान खान साहब ने मियांवाली में वो बहुत गर्जे बरसे और उन्होंने बड़े वादे कर दिए। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अगर मुझे मौका मिला तो मैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब को फिक्स करके दिखाऊंगा। कैसे फिक्स करेंगे इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सियासी तौर पर दिलचस्प बात जो है वो आज पाकिस्तान के सबका वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा कि दुनिया ये सुन ले कि पीएमएलएन के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं मजीद कहूँगा पीएमएलएन में कोई डिविजन्स भी नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हाँ पीएमएलएन में इख्तलाफ राय है। अगर बात ऐसी है तो फिर उस इख्तलाफ राय जो है उसकी नौइयत क्या है, इसको आज हम इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। आज ही के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा फ्रेंडली दोस्ताना इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, एक ऐसा इंटरव्यू जोड़ा सॉफ्ट इंटरव्यू है जो किसी शख्सियत को अपनी रीडरशिप के साथ अपनी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर से भी ये तासर जो है वो मिलता है कि कुछ ना कुछ इख्तलाफात जरूर है। ताहम मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो उनके हीरो हैं। ये एक बैकग्राउंड है। मुझे इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के अंदर, मुझे पीएमएलएन के रहनुमा जनाब राना अफसल साहब ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से, और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राना अफसल साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब मैं आपको चौधरी निसार साहब का ये टुकड़ा पहले सुना दूं फिर बात करें। मुस्लिम लीग नून में न तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है और न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। मुस्लिम लीग नून में डिवीजन भी नहीं है, इख्तलाफ राय है, और इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह होती है। जी राना अफसल साहब आपने सुना कि इख्तलाफ राय है मुस्लिम लीग नून में, क्या आपको वजाहत कर सकते हैं कि इख्तलाफ राय किस किस्म का है? जब रियाज पीरजादा साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को टेक ओवर कर लेना चाहिए, फिर दोबारा भी जब उनको उन पर बहुत क्रिटिसिज्म होती है फिर भी कहते हैं टेक ओवर कर लेना चाहिए, जब शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन जो है मलिक अहमद खान साहब वो हमारे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करते हैं वो कहते हैं कि हाँ मतलब ये इश्यूज तो हैं पार्टी के अंदर, और खुद इसे कहते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रेंडली इंटरव्यू है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, उसमें भी ये एतराफ़ किया गया है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ओवर शेडो कर दिया है हमजा शरीफ को, हमजा शहबाज को उन्होंने ओवर शेडो किया है। तो फिर इख्तलाफात की इस वक्त नौइयत है क्या? देखें इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफ राय हो सकता है, और जो उन्होंने कहा अच्छा। एक मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो 8 महीने या 7 महीने हमारे बाकी रहते हैं इनमें मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए, बहुत सों की राय है कि शाहिद खाकान अब्बासी को कंटिन्यू करना चाहिए, और पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स मियां शहबाज शरीफ साहब ने जारी किए हुए हैं वो उनको कंप्लीट करने चाहिए। तो ये एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पार्टी नहीं है, डिबेटिंग क्लब है पीएमएलएन, अब एक कॉलेज की डिबेटिंग क्लब है जिसमें इख्तलाफ राय हो रहा है, मतलब एक साइड दोनों साइड चलो बोल रहे हैं। ये तो आप सियासी पार्टी नहीं है, आपने एक बहुत ही डाइवर्शनरी किस्म का कुछ लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। राना साहब आप क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं ये राय अपनी पार्लिमानी पार्टी में दूंगा, और जहां पे ये मामला अगर अंडर डिस्कशन आएगा तो दूंगा, फिलहाल ये मामला अंडर डिस्कशन नहीं है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और पार्टी मुतमईन है अगर ये सवाल उठेगा तो वहां बैठ के जवाब जरूर देंगे। ठीक हो गया, अभी मैं आता हूं मजीद दिलचस्प सवाल लेके आपके पास। चौधरी साहब आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या असेसमेंट है, आपको क्या पता चल रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार साहब को इख्तलाफ राय जो आज दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि पीएमएलएन में अगर इख्तलाफ राय नहीं है तो हम देखते हैं बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर तो इख्तलाफ राय हमें नज़र ही नहीं आया।
मिसाल के तौर के ऊपर PMLN ने आते ही 480 बिलियन रुपीस जो है वो पेमेंट कर दी रेंटल पावर्स को, कोई ऑडिट तक उसका नहीं हुआ काबीना में, बशमूल चौधरी निसार साहब के किसी बंदे ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। हमने देखा कि जो PIA और दीगर जो 5-6 बड़ी कॉरपोरेशन हैं उनका इस वक्त जो लॉस है वो 600 अरब रुपए पे पहुंचा। काबीना ने एक दिन इसके ऊपर संजीदा डिस्कशन तक करने की जहमत नहीं की। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब के जो जाती दोस्त थे, जो पर्सनल दोस्त थे, उनको नवाजा गया। अहमद सईद को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया, तारिक अजीम को कैनेडा में एम्बेसडर लगा दिया गया, उनके भाई को यहाँ पर PIA में मुशीर हवाबाजी लगा दिया गया। तमाम जो बड़े फैसले थे, तमाम बड़े ओहदों के ऊपर, कलीदी ओहदों के ऊपर जिनमें अरबहा रुपया मुलव्वस था, उनमें काबीना में किसी वजीर ने उसके ऊपर बात करने की जहमत नहीं की है। सो PMLN का कल्चर जो है कि उसमें इख्तलाफ राय नहीं होता, ये तो आपके सामने है। और पिछले 4.5 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी है और उसमें काबीना ने जो डिसेंट किया वो भी आपके सामने है। लिहाजा ऐसे माहौल में जहां पर इतने बड़े बड़े फैसलों में कोई इख्तलाफ राय नहीं हुआ, वहां पर अगर कोई मिनिस्टर उठ के ये कह दे कि नवाज शरीफ साहब के बजाय उनके छोटे भाई को जो है वो होना चाहिए प्रेसिडेंट PMLN का, तो इसको एक अनहोनी बात लिया जाता है। और PMLN में जो इस वक्त इख्तलाफ राय है वो भी जाती नोयत का है। लोग समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब है वो फोकस्ड है अपने मुकदमात के ऊपर, और जो PMLN में जिन लोगों ने सियासत करनी है जाहिर है उनका मतमय नजर अपनी सियासत है और वो अपनी सियासत के लिए मुतफिक्र है। सो एक कल्चरल, अगर आप उसको कल्चरली देखें तो PMLN में इख्तलाफ राय नहीं होता, और ये बहुत ही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह की हुकूमत और इस तरह के लोग राणा साहब पर हुकूमत करते हैं। राणा साहब को जवाब दे दीजिए। राणा साहब क्या जवाब है आपका? देखिए, इन्होंने 3 मामलात उठाए जो इन्होंने वो कहा सर्कुलर डेट 480 अरब का। उस वक्त पाकिस्तान में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग थी और जो बिजली के मंसूबे चल सकते थे उन्होंने भी बिजली बनानी बंद की हुई थी क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो वो पैसे देके एक पूरी पार्टी बड़ी खुश थी कि अब पाकिस्तान में बिजली के हालात बेहतर होंगे, और वो पैसे उनके ड्यू थे। उनके बिल जो थे, ये है कि PMLN के कल्चर में इख्तलाफ राय होता कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपके कल्चर में इख्तलाफ राय की गुंजाइश कोई नहीं है, इसलिए अगर कोई थोड़ा सा इख्तलाफ राय हो रहा है तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि कुछ चीजें काबीना में डिस्कस होती हैं, और काबीना में अगर डिस्कस होके एक मिनिस्टर अपनी प्रेजेंटेशन देता है और बाकी खामोश रहते हैं या उस पर इख्तलाफ राय नहीं होता, तो इसका मतलब है वो सब ने उसके ऊपर हाँ कर दी। तो मैं समझता हूं कि इख्तलाफ राय किस चीज के ऊपर हो, हमारी लीडरशिप पे आज भी कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि कौन हमारा लीडर है, किन मंसूबों को कंप्लीट करना है, CPAC के मंसूबों को करना है, क्या करना है, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग लड़नी है, हमारा यूनानिमस स्टैंड था कि पार्टी का ये लड़नी है, तो किस चीज पे हम इख्तलाफ राय करें। ये तो ऑपोजिशन चाहती है कि ये यहाँ कोई लड़ाई हो, कोई इसके साथ इनका दाव लग जाए। हमारे तो राणा साहब क्या पंजाब के अंदर इस चीज में भी कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा को लीड करना है बाद में या हमजा शहबाज को लीड करना है, क्या इस पे भी कोई इख्तलाफ राय नहीं है? ये मामला सेटल हो गए हैं क्या? देखें, इख्तलाफ राय उस वक्त होगा जब उनको लीडर पुट किया जाए और हमें कहा जाए कि आप इसको वोट दें या किसी और को वोट दें। जब वो वक्त आएगा फिर आपको पता लगेगा कि किसको वोट ज्यादा मिले और वो हमारा अगला लीडर बन जाएगा। तो अभी तो वो मुकाम आया नहीं है। लेकिन क्या ये बात तो मसलसल हम सुन रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज को लीडर बनाना चाहते हैं, और हमजा, चले आप ये क्या हमजा का सियासी तजर्बा जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज से ज्यादा है या नहीं है? देखिए, एक लिहाज से ज्यादा है, वो 3 दफा MNA रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं। मरियम साहिबा अपनी नौयत का काम कर रही हैं। अब इनका कंपैरिजन तो मेरी राय एक तरफ हो सकती है, मुझे कोई एक ज्यादा पसंद हो सकता है, कम पसंद हो सकता है, लेकिन ये जो पार्टी के फैसले हैं, एक हमारा आईन है, हम एक जमात है। लेकिन लोग हमें ये भी बताते हैं, राणा साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमजा ने 30 के करीब बाय इलेक्शंस जो हैं वो पंजाब में करवाए हैं, वो यहां बैठे रहे जनरल मुशर्रफ के जमाने में, वो पंजाब की ना जितनी लोकल लीडरशिप है उसके साथ उसको उन्होंने हैंडल किया, कैंपेन्स के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनरोड्स डेवलप किए, ये सब चीजें सही है या गलत है? ये दुरुस्त है, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने किया है।
देखें हमारी पार्टी के फैसले हमने ऑपोजिशन या दूसरे लोगों से नहीं करवाने हैं, ये जो हमें मुफ्त मशवरे मिलते हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखें, तो हम अपनी पार्टी के अंदर फैसले कर लेंगे। लीडरशिप का राणा साहब लीडरशिप का तयन किन बुनियादों पर होगा? सिर्फ नवाज शरीफ साहब की विल पे, जिसको वो चाहेंगे वो लीडर होगा, ये होगा मयार? देखिये मैं एक छोटा सा MNA था और जिस दिन हम पार्टी का सरबराह का इलेक्शन कर रहे थे मेरे पास ये राइट था कि मैं वहां खड़ा होता और कहता कि जी मुझे, मैं भी कैंडिडेट हूं। मैं नहीं खड़ा हुआ, कोई और भी खड़ा नहीं हुआ। ये एक जमहूरी तरीकाकार है, जिनको जिन लोगों को खड़े होने का शौक था वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुए। अब इसको आप गैर जमहूरी किसी और जमात में हमसे बेहतर अगर काम हुआ है तो हमें आप कहें। तनकीद करने वाले हमें मशवरे देते हैं कि हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, हम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। फौज चौधरी साहब समझ ये आई है कि किसी किस्म का इख्तलाफ राय भी नहीं है। चौधरी निसार साहब ने तो खैर हिम्मत की इख्तलाफ राय की बात कर दी, राणा साहब कहते हैं इख्तलाफ राय तब होगा जब कोई राय पूछेगा। देखिए फ्रेंकली मुख्तलिफ फैक्शंस हैं। राणा साहब तो जाहिर है फैसलाबाद से MNA हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, फैसलाबाद में उनका हल्के की पॉलिटिक्स है, बाकी लोग अपने अपने हल्के की पॉलिटिक्स करेंगे, अपने हल्के के मुताबिक फैसले करेंगे। सो ये कहना जिस तरह से आप पूछ रहे हैं हमजा साहब बेहतर है या मरियम बीबी बेहतर है, देखिए ये कोई पाकिस्तान में हम लोग कोई बादशाहत में नहीं है, हम लोग एक इवॉल्व कर रहे हैं बहसियत एक डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में जमहूरियत की नहीं क्वालिटी डेमोक्रेसी डिबेट हो रही है और क्वालिटी डेमोक्रेसी की एक डायमेंशन यह है कि यहां पर इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर ना हो जैसे बादशाहत में हुआ करती है कि बादशाह का दिल करेगा फलाने को नॉमिनेट करेगा, बादशाह का दिल करेगा छोटे बेटे को नॉमिनेट करेगा, बादशाह का दिल करेगा बड़े बेटे को नॉमिनेट करेगा। सो ये एक पहला एक शर्त है बादशाहत की और जमहूरियत की कि जमहूरियत में बादशाह फैसले नहीं किया करते, उसमें पाकिस्तान उसमें जो एक अवामी स्ट्रक्चर होता है, अवामी ओपिनियन होती है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। अब पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट है उसकी पहली शर्त यह है कि यहां पर बादशाहाना तौर के ऊपर फैसले ना हो। अब PMLN के अंदर आप देखेंगे कि जो जो मामलात आगे चल रहे हैं ये स्ट्रक्चर टूटेगा और लोग अपने अपने हलकों के मुताबिक फैसले करेंगे। अच्छा। आप एक दो कोई तर्जमान जिसको भी आप बिठाएंगे चाहे चौधरी निसार हो चाहे राणा अफजल साहब हो, वो अपने हलके की पॉलिटिक्स के ऊपर आपको अपनी पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन आप दूसरे लोगों आप तारक पीरजादा को बुलाएंगे या पीरजादा साहब को बुलाएंगे या आप किसी भी बाकी MNA को बुलाएंगे वो अपने हल्के की पॉलिटिक्स के ऊपर आपसे जो है वो अपनी पॉलिसी देगा। सो PMLN में जूं-जूं ये लीडरशिप कमजोर होती जाएगी और अगले 3 महीनों में तो सजाओं का अमल शुरू हो जाएगा जो इस वक्त नैब कोर्ट में जिस तरीके से प्रोसीडिंग जारी है, तो नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शंस हैं जो उनकी फैमिली की कन्विक्शंस हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी और PMLN में लोकल लोग अपने अपने धड़ों के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। लेकिन फवाद साहब नवाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली है उसमें तो वो केस आगे चल ही नहीं पा रहा है, वो तो आ ही नहीं रही अदालत के सामने, वो मुख्तलिफ पिटिशन उन्होंने डाली हुई हैं, अभी तक तो अदालत के सामने वो पेश ही नहीं होते हैं, अपनी मर्जी होती है आते हैं अपनी मर्जी होती है नहीं आते, अभी भी क्लियर नहीं है कि वो 29 को आएंगे। आपने इतनी उम्मीदें जो लगा ली हैं कि 3 महीने में सजाओं का अमल शुरू हो जाएगा, इसकी तो हवा में कोई बादल बादल तो नजर ऐसे आ नहीं रहे हमें? नहीं, उसमें यह है कि जो 3 नवंबर से प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, जो पिछला ऑर्डर है नैब कोर्ट का उसमें उन्होंने कहा है कि वो डे टू डे प्रोसीडिंग 3 नवंबर से शुरू करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन है कि वो पेश हों, उनके पास ऑप्शन है वो पेश ना हो। उनके पास अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उसका सेक्शन 31 जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत उनको 3 साल की सजा जो है वो हो जाएगी। जो हसन और हुसैन है उनकी जो कार्रवाई है इश्तिहारी होने की वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उनको सजा जो है वो शायद 3 महीने से भी कम अगले 15 दिन में भी हम देख सकते हैं कि उनको सजाएं जो है वो हो जाएंगी। सो जो लीगल प्रोसेस है वो चल रहा है। अगरचे ये बात सही है जो पीपल्स पार्टी ज्यादा इल्जाम लगाती है उसमें वजन भी है कि एक इम्तियाजी सलूक हमें जरूर नजर आता है कि जहां राजा परवेज अशरफ यूसुफ रजा गिलानी के नाम 6-6 साल से ECL के ऊपर है, वहां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को इजाजत है कि वो जब मर्जी चाहे बाहर चले जाए जब मर्जी चाहे आ जाए, उनके ऊपर जमानत का बोझ नहीं है, उनके ऊपर गिरफ्तारी का बोझ नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनको जमानतें भी करानी पड़ती हैं, उनको गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन जो लीगल प्रोसेस चल रहा है जैसे अभी नजर आ रहा है कि अगर इसमें कोई झोल और ना आए या कोई बात आगे ना बढ़े तो यूं लग रहा है कि ये सजाएं इमिनेंट है। जी राणा अफजल साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे बिफोर द ब्रेक कि क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 नवंबर को अदालत में तशरीफ लाना पसंद करेंगे?
دیکھیں جو کمنٹری ابھی کی ہے فواد چوہدری صاحب نے, میں تو وکیل نہیں ہوں, یہ ماشاءاللہ سے وکیل ہیں, اور عدالت کے اندر فیصلے جو ہیں کلائنٹ کی بجائے وکیل کرتا ہے کہ کس طریقے سے کیس لڑنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ہمارے وکلا جو ہمیں ایڈوائز دیں گے اور جو ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق ہمیں سوٹ کرے گا, ہم اس کو فالو کریں گے. نواز شریف کا ابھی تک تو اطلاع یہ ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نہ آنا, یعنی اچھا بڑی انٹرسٹنگ رانا صاحب, بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, یعنی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا نہ آنا, آنا چلے جانا نہ آنا, سعودی عرب بیٹھ جانا, لندن میں ولایت میں بیٹھ جانا, یہ سب ان کے وکیل جو ہیں یہ ان کے مشوروں کے تحت ہو رہا ہے, یہ ایک لیگل اسٹریٹجی ہے, بیماری وغیرہ کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کے بارے میں تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو ان کے بیٹے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, وہ تو برطانیہ کے شہری ہیں. ان کو جو ایڈوائس ان کے وکلا دیں گے وہ شہری ہے ہی نہیں پاکستان کے, اس عدالت کے سامنے نہیں. نواز شریف صاحب کے بیٹے پاکستان کے شہری ہیں ہی نہیں ہے, یہ دوہری شہریت, انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ سرنڈر کر دیے ہوئے. نہیں یہ نہیں میں نے کہا, وہ ریزیڈنٹ. یہ تو بہت ہی آج آپ نے انٹرسٹنگ باتیں کر دی, دوہری شہریت تو سر, دوہری شہریت کا مطلب ہے کہ شہری ہیں آپ دونوں جگہ پہ. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ریزیڈنٹ نہیں ہے, یہاں کے ٹیکس لاز ان پہ اپلائی نہیں ہوتے پاکستان کے, کیونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں. اگر ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے بھی تو انہوں نے پاکستان سے باہر اتنا وقت گزارا ہے, انہوں نے پاکستان میں کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا. وہ پاکستان کا, وہ تو یہودی لابی کا پیسہ آپ پہ حلال ہے. اگر پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو کیا پاکستانی عدالت کے سامنے سے آنے سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا جو ہے وہ چوری ہوا ہے 300 ارب روپیہ جو ان کے اکاؤنٹس میں ہے. ایف زیڈ ڈی کیپٹل جس کا اقامہ نواز شریف صاحب استعمال کر رہے تھے, غلط باتیں ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں اس نے نہیں, یہی تو ٹرائل چل رہے ہیں, آپ ٹرائل تو دیکھ لیں رانا صاحب. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حسن اور حسین کا کلیم. میری ریکویسٹ ہے مجھے ایک بریک لے دیجیے, بریک یہی لیتے ہیں, بریک کے فوراً بعد اسی پوائنٹ سے ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقت سے پہلے بات ایک انتہائی دلچسپ نقطے پہ ختم ہوئی. پی ایم ایل این کے رہنما رانا افضل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حسن نواز اور حسین نواز دوہری شہریت رکھتے ہیں برطانیہ اور پاکستان کی, اور پاکستان میں ریزیڈنٹ سٹیٹس نہیں ہے, اس لیے پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کی کوئی قانونی ضرورت ان کی نہیں ہے. اس پہ میں کاؤنٹر ویو لینا چاہ رہا ہوں. فواد چوہدری صاحب آپ وکیل بھی ہیں, کیا قانونی طور پہ وہ ایگزمپٹڈ ہیں اگر وہ ریزیڈنٹ نہیں ہیں حسن اور حسین نواز؟ دیکھیے ابھی پی آئی اے کے جو سی او تھے, جو خود ابھی اس حکومت نے لگائے تھے, وہ جرمن سٹیزن تھے, ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا, اور اس جرمن سی او کے اوپر جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے اندر کیس چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو پیسہ انوالو ہے جو 300 ارب روپے کا یعنی 30,000 کروڑ روپے کا, وہ پاکستان کا انوالو ہے. پاکستان کے پیسے بچوں کے اکاؤنٹس میں نکل آئے اور آسانی سے آپ کہہ دیں کہ پاکستان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اور رانا افضل صاحب جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو تو ویسے ہی جھجکنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم اس شخص کو لیڈر بنا رہے ہیں جس کے بچے پاکستان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, ان کے اوپر پاکستانی لاز ہی اپلائی نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ آئی وڈ سے کہ بےہودہ آرگومنٹ کوئی دیا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم رہے, پاکستان سے پیسے کمائے, پاکستان میں بزنس کیا, وہ پیسے ہم نے پاکستان سے باہر شفٹ کر دیے, اور اب پاکستان کی عدالتیں ان کو ہم سے نہ پوچھے چونکہ ہمارے جن کو ہم نے پیسے شفٹ کیے وہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہے. سو پاکستان پینل کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ اور تمام پاکستان کے لاز بالکل واضح ہیں. تمام جرائم کے اوپر ٹرائل پاکستان کے اندر ہوگا, پاکستان میں جواب دینا پڑے گا, پاکستان کی عدالتوں کو جواب دینا پڑے گا, اور پاکستانی کی جیلوں میں ہی جائیں گے. رانا صاحب ارسپیکٹو آف دی لیگل آرگومنٹ کہ وہ ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے, سیاسی طور پر تو یہ بات انتہائی تباہ کن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بچے یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں, یہاں کا ریزیڈنٹ سٹیٹس نہیں رکھتے. سیاسی طور پہ تو یہ بڑی تباہ کن بات ہے, ابھی لوگوں نے ابزارب نہیں کی یہ, تو اگر یہ سٹینڈ ہے شریف خاندان کا. میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ نہیں آئیں گے, یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے.
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने अभी बात की, ये बात इमरान खान के बच्चों पे भी अप्लाई करती है। अब उनकी उनके वो बच्चे इमरान खान के बच्चे पे केस नहीं है सर प्रॉपर्टी का, या सर एक सेकंड नहीं नहीं सर ये तो इरेलेवेंट है सर, ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। रामा साहब बच्चे तो बड़ों के नहीं सर, सर वो मेरा मेरे सवाल का तो काइंडली जवाब दे देना कि क्या ये पाकिस्तान आने से इंकारी है। मेरा ये क्या बच्चे, ये उनके बेटे बच्चे कहना तो गलत है 40-40 साल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के बच्चों के ऊपर केस नहीं है सर, ये तो यहाँ पर केस है, यहाँ पर केस है सर जो सुप्रीम कोर्ट से गुजर के आया है, इमरान खान के बच्चों के ऊपर केस नहीं है। तो क्या मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या हसन और हुसैन नवाज इनकारी हैं, वो नहीं आएंगे एहतसाब अदालत के सामने, हैव दे रिफ्यूज्ड? मैं तो इस सवाल का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ कि इसका फैसला उनको करना है और वो नहीं आएंगे। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि वो नहीं आएंगे, वो ये फैसला कोई नहीं उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे या आएंगे, वक्त बताएगा कि उनको क्या लीगल एडवाइस मिलती है। मैं जो बात कर रहा था जैसे इमरान तो खान नवाज शरीफ साहब की सियासत का क्या होगा अगर वो नहीं आएंगे, तो उसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा? नवाज शरीफ साहब की सियासत भी पाकिस्तान के अंदर कोई अगर वो ये कहते हैं कि हम नहीं आते, बच्चे क्यों कह रहे हैं सर? बच्चे मिसलीडिंग है, 40-40 साल की उम्र के आदमियों को बच्चे नहीं कहना चाहिए सर, बच्चे तो नहीं कह सकते ना सर, हम कानूनी तौर पर ये लोग गलत जर्नलिज्म कर रहे हैं। कोई जर्नलिस्ट अगर इनको बच्चे 40 साल से उम्र का ज्यादा बंदा, ये पाकिस्तानी मीडिया की सर बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, 40 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को बच्चा कहना जो है वो तमाम तर इसे कहते हैं कानून के सर, प्लीज मतलब बच्चे नहीं है सर, 40-40 साल के एडल्ट हैं वो, अगर इनकारी है सर। सर आपने छठी मर्तबा ये बात कर ली, ये पॉइंट आ गया, वो वाकई वो मर्द हैं, वो मर्द जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया 20-22 साल से, पाकिस्तान में कोई किसी शख्स ने, फवाद चौधरी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई कारोबार किया है जी, बाहर ये बाहर वो कर रहे हैं और वहां के टैक्स लॉज के आगे जी वो कर रहे हैं, टैक्स भी देते हैं। और वहां देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप फवाद साहब स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान से यहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एप्लीकेबल है, और बरतानिया तो उन मनी लॉन्ड्रिंग लॉज का मुजिद है, अगर बरतानिया में उनके ऊपर कोई केस नहीं है कि इलीगल पैसा वो लेके आए हैं, तो फिर पाकिस्तान में आप जितना मर्जी ख्वाहिश रखें कि वो आप कुछ कर लेंगे उनके ऊपर, उन मर्दों के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ कोई कारोबारी ताल्लुक रहा नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ अदालतों में खुल के सामने आ जाएंगी। मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी जो केस चल रहा है, आप क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? वो उनकी जाती उनकी उनकी फैक्ट्री के, उनके वालिद साहब ने जो फैक्ट्री बनाई थी उसका केस चल रहा है, किसी उन्होंने बार बार नैब से पूछा कि मेरे ऊपर कोई सरकारी पैसा चोरी करने का इल्जाम है, तो उन प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि कोई नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है वो एक लंबी तकरीर रोज करते हैं कि जी इतने अरब उनकी फलानी जेब से निकल आया, उनकी बाई जेब में से इतने अरब निकल आया। ये पाकिस्तान के 4 मार्शल लॉ लगे करप्शन का नाम लेके, पाकिस्तान के अंदर जवाब दें जी, मैंने जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि 134 दिन के सुप्रीम कोर्ट के बाद, 60 दिन की जीआईटी के बाद, और अब जो चार्ज फ्रेम हुए नैब कोर्ट में, राणा साहब ने इसका मतलब यह है कि उनमें से किसी को देखने की भी जहमत नहीं की, वरना जाहिर है ये जो तकरीर उन्होंने की है ये तकरीर ना करते। इल्जाम ये है कि एफजेडी कैपिटल नाम की एक फर्म बनाई गई, अकामा जिसके ऊपर जिसके चेयरमैन नवाज शरीफ साहब थे, अल अजीजिया स्टील मिल बनाई गई, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई, इन अकाउंट्स में पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर हुए, पाकिस्तान से पैसे जो है वो अजीजिया को गए, अजीजिया से ये पैसे हिल मेटल को गए, और ये 16 कंपनीज जो हसन नवाज शरीफ ने बनाई हैं उनको 30,000 करोड़ रुपए का सबूत, आप चार्ज तो पढ़ लें, आपने चार्ज ही नहीं पढ़ा हुआ, आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। 134 दिन ये केस चला, ये है कि आपने में आपने वन हाइड पार्क में जो है वो पैसे खरीदे, आपके पास ये पैसे कहां से आए? ये पैसे आपको इंजेक्ट हो रहे थे मिडल ईस्ट से, यूएई से, और पाकिस्तान से पैसे जो है वो बाहर गए थे, खेस्ता खान और मेस्ता खान के दो, सबसे पहले हुदैबिया के दो हवाला डीलर्स के जरिए, इसहाक डार साहब के अकाउंट्स की पूरी तफसील मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी तफसील मौजूद है, और यही केस है जो आप भुगत रहे हैं, और उसके ऊपर आप आराम से आके ये फरमा रहे हैं कि हसन नवाज और हुसैन नवाज बरतानिया के शहरी हैं, उनके ऊपर आपके लॉज ही अप्लाई नहीं होते। यानी अजीबो गरीब आपने जो है वो किया कि पाकिस्तान से पैसे कमा के, पाकिस्तान से पैसे बाहर, पहले
99 में जो टिम सेबेस्टियन का इंटरव्यू है, नहीं एक मोहित एक सेकंड मोहित एक लम्हा दीजिएगा, आपके पास इंटरव्यू पड़ा होगा हसन नवाज शरीफ का जो उन्होंने 99 में टिम सेबेस्टियन को दिया बीबीसी को, और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मेरे पास तो पैसे तो बाहर से आते हैं जो मैं यहाँ पे अदा करता हूँ। विद इन 7 ईयर्स ऑफ दैट इंटरव्यू हसन नवाज शरीफ बॉट 1 हाइड पार्क 600 करोड़ रुपए का घर। तो क्या जब हम पूछे कि ये पैसे कहां से आए तो राणा साहब कह रहे हैं वो बरतानवी सिटीजन है, उनके ऊपर जो है वो लॉ अप्लाई नहीं होता। ये राणा साहब वो जेआईटी में आके एक्सप्लेनेशन देते भी रहे पहले, वरना तो फिर ना आते जेआईटी। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि उनके जो वकला जैसे उनको जहां जहां वो बुलाना, जहां जहां वो उनके वकला बुलाना चाहेंगे वो आएंगे। और देखिए बात ये जो एक मनी ट्रेल, क्या खाबी ख्याली ख्वाब ख्याल वाली मनी ट्रेन के पाकिस्तान से मिडल ईस्ट गए, मिडल ईस्ट से वहां गए, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है हमारे मुखालफिन की। अगर अदालत में साबित हो जाएगी तो मैं माजरत कर लूंगा, लेकिन अभी तक ये स्टोरी है और इस स्टोरी के ऊपर केस चल रहा है, और वो केस जब किसी किनारे लगेगा तो फिर बात कर लेंगे और अल्लाह कह देगा कि जी हर चीज ठीक हो जाएगी। देखिए आपकी ख्वाहिशात है साहब, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि शरीफ ये है फवाद साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मीडिया में बहुत बज़ है कि शायद इमरान खान साहब को तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब की बचत नहीं हो सकती है, उसकी एक वजह ये भी है कि कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी वरना गुस्सा ठंडा नहीं होगा दूसरी साइड का। क्या जेकेटी जा रहे हैं? नहीं, वो अरबों रुपए जो थे हम कोई जो फैसलाबाद के कोई चक जुमरा पुलिस स्टेशन में नहीं है जहाँ पे 751 होनी है कि बराबर जो है वो बराबरी के मामलात जो है वो होने हैं, कानून और एविडेंस के मुताबिक जो है वो फैसले होने हैं और कानून और एविडेंस के मुताबिक ही जो फैसले हैं वो होंगे। अच्छा मोहित, पहले चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों आपको चूंकि ये प्रोग्राम में है, मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये पैसे कैसे बाहर गए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि बैन अल-अक़वामी शोहरत की डॉक्यूमेंट्री मेकर जनाब उबैद चुनई जो है उनका जो सारा एक कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हुई है उसके पीछे असल मुहरकात क्या है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर जनाब मोहतरमा शर्मीन उबैद चुनोई की जो ट्वीट्स हैं और जो उनकी पोजीशन और रद्द अमल उनका था कि एक डॉक्टर ने मेरी बहन को फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट क्यों भेजी, जिसके नतीजे में कराची के हस्पताल के इस डॉक्टर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उस पर गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के सियासी समाजी और मीडिया के सर्कल से शदीद रद्द अमल हो रहा है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में तमाम बड़े टेलीविजन चैनल्स पर मसलसल इस पर डिबेट होती रही। पाकिस्तान के जितने अंग्रेजी के अखबारात हैं उनमें ये टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है गुज़िश्ता 24 घंटे में। लोग सियासी कंटेंट को नहीं पढ़ रहे, मसलसल इस पे कमेंट कर रहे हैं। सैकड़ों वेबसाइट्स और हजारों जो पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर हैंडल्स हैं, उन पे यही चीज डिस्कस हो रही है। मसलसल वेबसाइट्स जिस पे ये स्टोरी है वो बार बार क्रैश करती हैं, लाखों लोग इस डिस्कशन में हिस्सा हैं और ऐसा लग रहा है अब तक कि 99.99% जो पाकिस्तानी है वो शर्मीन उबैद चुनोई साहब की पोजीशन से भी इत्तफाक नहीं करते और उनके ट्वीट्स पे शदीद गम गुस्से का, शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की मौजूदा हिस्ट्री में गुज़िश्ता कई सालों में गालिबन ये कई महीनों में इतना एक इवेंट के ऊपर इतना शदीद रद्द अमल जो है वो देखने में नहीं आया है, इसकी क्या वजह है? ये सवाल जहनों में पैदा होता है। इसकी दो तीन वजूहत जो है मुझे समझ आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि मोहतरमा शर्मीन उबैद साहिबा ने इंतहाई गैर दानिशमंदाना तरीके से अनवाइजली एक शख्स के इनफरादी एक्ट को, जो एक बड़ा छोटा सा वाकया था, उसको पूरी पाकिस्तानी कौम, मुल्क और रियासत 22 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने नथी कर दिया और गालिबन लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने पूरी कौम को इंसल्ट किया है अपनी एरोगेंस में। लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ वजूहत मुझे समझ आ रही हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तूलो अरज में जो ये डिबेट हुई है इसको इसने एक
طبقاتی ایک کلاس سٹرگل کی شکل اختیار کی ہے بیکوز پاکستان کے طول و عرض میں آج لاکھوں ایسے نوجوان پروفیشنل ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی ایکسپرٹس اکیڈیمکس لیکچررز گورنمنٹ میں کام کرنے والے آرمی آفیسرز سول سرونٹس اور بہت سے میڈیا کے لوگ ایسے جرنلسٹ ہیں جو سب لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو آدمی بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جو کہیں 25,000 کی نوکری کرتے ہیں کہیں 50,000 کی نوکری کرتے ہیں یونیورسٹیز کے گریجویٹ ہیں لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ باوجود اپنی ایجوکیشن کے اور مڈرنٹی کے وہ پاکستان کے پاور کوریڈورز جو ہیں جہاں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے جہاں طاقت کا ایکسرسائز ہوتا ہے جہاں پالیسیز بنتی ہیں اس میں یہ طبقہ جو ہے مڈل کلاس کا وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹڈ نہیں پاتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں وہ شاید ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جناب محترمہ شرمین عبید چنوئی جو ہیں وہ پاکستان کی پاور ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ ایروگنٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی پاور ایلیٹ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے جو مغرب کے امریکہ یا یورپ کے نت نئے بدلتے جو سماجی رجحانات ہیں ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے لیکن پاکستان کے سڑک کے جو مسئلے ہیں یہاں کے جو تاریخی مسئلے ہیں جو یہاں کے ایشوز اور چیلنجز ہیں جہاں عورتوں کو سڑکوں پہ مارا جاتا ہے جہاں گینگ ریپ ہوتے ہیں جہاں ہر قسم کی چیزوں پہ ریاست اور حکومت کسی قسم کا نوٹس نہیں لیتی ہے ان کے ساتھ یہ کلاس جو ہے وہ بالکل آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی اور یہ ایک سوڈو انٹلیکچوئل کلاس ہے جو دنیا کے اور مغرب کے ایشوز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اس کے ساتھ یہ سوال کہ آخر پاکستان کے موجودہ کانٹیکس میں سیکشل ہراسمنٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کر پائیں گے اسے کیسے سمجھا کر پائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ آ کھڑا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں نے دعوت دی ہے محترمہ ملیحہ حسین صاحبہ کو جو سوشل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ملیحہ حسین صاحبہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مہر گڑھ کی ویری وارم ویلکم ٹو یو آپ بھی یہی محسوس کر رہی ہیں کہ محترمہ شرمین عبید چنائی نے اوور ریئیکٹ کیا ہے میں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ اوور ریئیکٹ کر دیا شرمین بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا یعنی اوور ریئیکٹ بھی انڈرسٹیٹمنٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے فرینڈ ریکویسٹ تو ایک پبلک فورم ہے فیس بک ہر وقت لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اس کا بٹن بھی نہیں ہوتا یہ بھی پتہ ان کے اپنے فیس بک پہ نہیں ہے یعنی آپ ان کو نہیں فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ان کی بہن جو ہے اگر ایک کو پتا ہے تو دوسری بہن کو بھی پتا ہونا چاہیے وہ بند کر کے رکھتی ہیں اور اگر آپ ہی گئی فرینڈ ریکویسٹ تو آپ ایکسیپٹ نہ کریں بات ختم ہو جاتی ہے ہراسمنٹ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے پاکستان میں جس طرح سے اب ہراسمنٹ ڈیفائن کی گئی ہے ہمارے یہاں دو قوانین کس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے آپ بتا سکتی ہیں ہمارے جی بالکل ضرور ڈیفینیشن ہے کیا ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے یعنی ہمارے ملک میں اب سیکشل ہراسمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات یا آپ کے کوئی آواز یا کوئی الفاظ یا کوئی لکھی ہوئی تحریر جو دوسرے انسان کو اس کی جنس کی وجہ سے انکمفرٹیبل کر دے یا خوفزدہ بھی کرے یا خوفزدہ کر دے یعنی انکمفرٹیبل سے شروع ہوتا ہے خوفزدہ پھر اور سیکشل اسالٹ تک جاتا ہے یا ہاتھ لگا دے یا جاتے جاتے اور چٹکی کاٹ دے جسم رگڑ دیا اور پھر کام کی جگہ کا ایک خاص طور سے قانون ہے اس کی ڈیفینیشن ذرا اور ڈیٹیلڈ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک کولیگ یا دفتر میں کام کرنے والا ایک مرد یا عورت اپنے دوسرے کولیگ سے کوئی جنسی فیور مانگے وہ اتنی چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کھانے پہ جانے کو کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہا ہے سپوز نہیں کوئی کسی کو ایک ہی دفعہ کہتا ہے ہاں ایک دفعہ تو ہرسمنٹ نہیں ہوگی نا لیکن اگر دوسرا انسان اس کو منع کر دیتا ہے اور یہ اس کے منع کرنے کے بعد پھر سے کہے تو دوسری دفعہ کہیں گے تو جنسی ہراسیت ہو جائے گی یا سیکشل ہراسمنٹ دوسری دفعہ سے ہی ہو جائے گی ایک دفعہ منع کرنے کے بعد لیکن تاریخی طور پہ تو رہا ہے نا کہ آدمی انیشیٹو لیتے ہیں کسی عورت کو امپریس کرنے کے لیے آخر وہ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں پہ امریکی فلموں میں تو دکھاتے ہیں نا یو گو ڈاؤن آن دی سٹیپس اینڈ یو سے کین آئی ہیو یور ریکویسٹ یور ہینڈ تو اب یہ آدمی نے انیشیٹو لینا ہے عورت کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کر دے تو ہم کیا کوئی ایسی ڈیفینیشن ہے پاکستان میں پینٹ کر رہے ہیں کہ آدمی عورتوں کی طرف انیشیٹو نہیں لے سکتے نہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں نا ہمارے یہاں اب پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسکول کالج میں نہیں پڑھے ہو تب بھی آپ کسی ایک انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہو دوسرا انسان جب آپ کو منع کر دیتا ہے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے ہاں کا مطلب ہاں اور نہ کا مطلب نہ ہونا چاہیے اور اتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے میچور ایڈلٹ بالکل ہونی چاہیے لیکن دیکھیے نا اگر کوئی کسی کو بار بار ٹیکسٹ ڈالنا شروع کر دے اس کو بار بار فون کرنا شروع کر دے اس کے اسٹاپ کے اوپر یا اس کے آفس کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو اس کا تعاقب کرے یہ تو کلیئرلی ہراسمنٹ میں ہوتا ہے لیکن یہ جو چیز تھی کہ کسی نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے یہ تو ہراسمنٹ یہ تو بالکل نہیں ہے اور آپ اس کو منع کر سکتے ہو ایک دفعہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہیں نزدیک بھی نہیں آتی سیکشل ہراسمنٹ کے
तो बहुत गलत बात है। अच्छा, अब ये बताइए मलिया हुसैन साहब, लेकिन जो एक दूसरी चीज है यहाँ पे कि शर्मीन से गलती हो गई, ठीक है, वो भी उनका इंडिविजुअल फेल था, हॉस्पिटल ने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, वो भी एक इशू लोकलाइज हो सकता था, लेकिन यहाँ जो गालिबन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक तबकाती कश्मकश जो है वो सामने आई है, लाखों पाकिस्तानी नौजवान जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं, वो 40 मिलियन लोग इस वक्त फेसबुक और ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा नैरेटिव जो है पोलिटिकल वो वहीं से इस वक्त शेप हो रहा है, हम भी उन्हीं को देख रहे हैं। सो ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पावर इलीट है जो बड़ी वेस्टर्न ओरिएंटेड है, जो एम्बेसीज के फंक्शंस में मौजूद होती है, एम्बेसीज उनके साथ आइडेंटिफाई करती हैं, इन लोगों के पीसेज न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं, गार्डियन में छप रहे हैं, ये वहां के इश्यूज के साथ आइडेंटिफाई करके अपनी पजीराई करना चाहते हैं मगरब के पावर कॉरिडोर्स में, यहाँ के जो इश्यूज हैं उसकी तरफ इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, इस पे क्या आपका कुछ ठीक कह रहे हैं? और कुछ मैंने जितना भी देखा सोशल मीडिया पे, उन्हें ये भी एतराज है कि जो फिल्में बनाती हैं जिस पे इन्हें इतने अवार्ड्स मिले वो भी हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं वो दिखाती हैं, और जो प्रॉमिस करती हैं उन लोगों को कि हम आपके लिए क्या करेंगे, आप हमारी फिल्म में आ जाओ, वो भी पूरे नहीं करते, तो वो भी एक लोगों को गुस्सा है, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे लोग उसको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली जो उनकी फिल्म थी ना, उन्होंने दिखाया मसला है और फिर उसका हल निकालना है और उसके बाद कुछ काम भी हुआ, तो वो किसी हद तक इंसान कहता है चलो, एक तरफ वो मसला दिखा रहे हैं हमारे मुल्क का, साथ हमारी स्ट्रगल्स भी दिखा रहे हैं कि हम अपने मसाइल का खुद हल निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी जो फिल्म थी उसमें तो कोई ऐसा भी नहीं किया। देखिए, फिल्म मेकर तो क्रिटिक ही नहीं होता, जो नॉवलिस्ट होता है, जो फिल्म मेकर होता है, उसमें तो माशरे की जो बुराई है उसको हाईलाइट करना है, सोल्यूशन देना, मकसद होना चाहिए ना, मकसद होना चाहिए। जैसे अब हमारे जो शोएब साहब की फिल्म आ रही है वरना, उसमें जो हमारे माशरे में सोच है कि हमारे यहाँ जब एक औरत रेप होती है तो हम उसी को कसूरवार ठहराते हैं, उनकी फिल्म से हमें जो अभी तक अंदाजा है ट्रेलर वगैरह देख के, वो यही है कि माशरे की सोच बदलने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई कि जो इंसान गलत काम करता है कसूर उसका होना चाहिए, अगर बदनामी है तो उसकी होनी चाहिए। ऐसा इशू भी है कि पाकिस्तान की जो पावर एलीट है, ये जो एक सबका है, ये मगरब के नए नए कंसर्न्स के साथ तो आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन जो तारीखी कंसर्न है, नदा लुकमान एक खातून बड़ी रिस्पेक्टेड मेडिकल फैमिली, उनके घर डॉक्टरों की फैमिली, उनको 7 सितंबर को पीएमएलएन के एक ट्रेडर बीडन रोड के ताजर हैं, उन्होंने मस्जिद शहदा के सामने सेफ टेलीविजन जो लाहौर के कैमराज हैं उनके सामने, बीडन रोड का जहां मुंह लगता है वहां उनको गाड़ी से बालों से खींच के जमीन पर फेंका, दो बच्चे उनकी बच्चियां एक 7 साल की 8 साल की गाड़ी में है, मां को उनके सामने मारा, टेलीविजन के लोगों के सामने मारा, पुलिस ने गिरफ्तारी तक नहीं की है बिकॉज वो हुक्मरान जमात से कनेक्टेड है। किसी वोमन, ना पाकिस्तान ह्यूमन राइट, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन है, ये जितनी वोमन एसोसिएशन है, किसी ने इस इशू को आज तक एजिटेट नहीं किया, हमने जरूर किया टीवी पे, उन्होंने नहीं किया। इसकी क्या वजह? उनका कुछ कहने या ना कहने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी इश्यूज पे तो बहुत खप डालते हैं, कभी कहते हैं मैरिज पे कानून होना चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, कड़े पहना दें, वो उन्होंने इतना ऊधा मचाया होता है, कड़े वड़े की तो खैर वो बात वो बिल्कुल ही नहीं है। देखे ना, आयशा गुललाई के टेक्स्ट मैसेजेस की हैरेसमेंट पे पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की शख्सियत ने कितना स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन एक औरत को मारा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उस पर इनकी कोई पोजीशन नहीं। आपको पता है दिन रात ऐसे केसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो अगर किसी को कुछ करना है तो इनकी रीजंस देखने हैं और किसको क्या करना चाहिए, आप पुलिस को कहें, आप हमारी जुडिशरी को देखें कि इनका खातून का जो केस था पुलिस ने सही तरीके से उसको रिपोर्ट नहीं किया, बहुत बुरी तरह से इसको हैंडल किया, और अब अगर वो केस कोर्ट में जा रहा है तो हमारी जुडिशरी क्या करेगी? कुछ भी नहीं। तो हम पॉलिटिशियंस को बुरा कह देते हैं या खवातीन के तंजीमों को ब्लेम कर देते हैं, जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जो कुछ कर सकते हैं उन्हें कहना चाहिए ना, हमें पुलिस में बड़े अच्छे लोग हैं, जुडिशरी में भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना काम नहीं करते, वो नहीं करते, तो हमें उन्हें अकाउंटेबल ठहराना है कि हमने जो आपको इन जगहों पर बिठाया हुआ है और हुकूमत का या लोगों का पैसा आपको तनख्वाह में दिया जाता है तो आप कर क्या रहे हो? आप उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मलिया हुसैन साहिबा। नाज़रीन, आपने हमारी बहस देखी जिसका लुबे लुबाब यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज एक ऐसी इलीट पावरफुल क्लास है जो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं बुनियादी, वहां जो औरत के इश्यूज हैं उनके ऊपर तो आइडेंटिफाई नहीं कर रही, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस पे या फेसबुक के फ्रेंड्स मैसेज से क्या हैरेसमेंट हो रही है वो उनके लिए बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, और जिसपे रद्देअमल जो हुआ है गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में, जो अपनी तरह का एक बहुत चीज जिसकी नजीर नहीं मिलती वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।